अरे काळवी काठेरी रे ए राख चांदा काळवी ए काठेरी रे दा आंगणो तोड़े मर हर भी काच धोरे जी ठाकुर साहब कंवर साहब अरे कोनी है घोड़ी रो रे दोष मारे कोनी है ताली बजाएं सभी लोग कोनी है घोड़ी रो रे दोष मारे कोनी है घोड़ी रो रे दो देवल कूपे है गडरे कांगड़े थे जी आ कोनी है घोड़ी रो रे दोष मारे कोनी है थोड़ी रो रे तो केवड़ तू के है गजरे कांगड़े रे जी चांदे जवाब दियो कि कोनी है घोड़ी रो मारे दोष इन्हें मारे घोड़ी को दोष ना आ तो देवलबाई ऊपर ऊपर देवलबाई करुणा कर रही है वास्ते घोड़ी कूद रही जैसे ऐसे बोलिया तो बाबू जी रा तीन फेरा चबरी में हो गया चौथो फेरो जैसे ही हुआ शुरू हुआ और बाबू जी महाराज ने काना में आ बात सुनाई दी अब देखिए किस प्रकार से धर्म को निभाया जाता है अरे तीजो फेरो चबरिया रे माय बाबू रो तीजो फेरो तीजो फेरो चबरिया रे माय बाबू रो तीजो फेरो चबरिया रे चौथोड़ा फेरा में पल्लो आडियो रे जी आ तीजो फेरो चबरिया रे माय बाबू रो तीजो फेरो चबरिया रे मा चौथोड़ा फेरा में पल्लो आडियो रे जी आ देखिए एक बहुत खास बात निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान में ब्याह कितना फेरोंगे सात फेरों में वो पीछे एक सांत कह रहा अपने राजस्थान में चार फेरों में ब्याह हो जावे पूरे देश भर में सात फेरे की परंपरा और ये परंपरा क्यों कि बाबूजी चौथे फेरे में पल्ला ने काट दियो उस दिन से ये परंपरा राजस्थान में चल गई कि बाबूजी जब चौथा फेरा में चमरी ने छोड़ दी तो अपने भी राजस्थान में इसी प्रकार की परंपरा का चलन हो गया अब देखिए छेड़ापल्ली ने काट और बाबूजी डार सीधा घोड़ी पर सवार हो गया तो बाबूजी रे साला बाबूजी रे साड़िया बाबूजी रे ससुराल का लोग जार घोड़ी के आगे खड़ा हो गया बोले कंवर साहब कहीं हो गए हो चवरी ने छोड़ की कर जा रहा हो कोई चाकरी में चूक रह गई हो तो बताओ कोई कमी रह गई हो तो बताओ कोई मनवार में कमी रह गई हो तो बताओ कहीं बात हो गई कोई हमारी बेटी में चूक है तो बताओ कोई कमी है तो बताओ सोटी में कोई कमी है तो बताओ और बोले अरे कहीं देखियो सोटी में चूक बनोई जी कहीं देखियो माता बीनो से निवेदन करता हूँ थोड़ी ताली के साथ में कहीं देखियो सोटी में चूक बनोई जी कहीं देखियो सोटी में चूक अरे केड़ा का माने पल्लो बाटियो रे जी हाड़ा पकड़े घोड़ी री लगाम पबूरा हाड़ा पकड़े घोड़ी री लगा
साड़िया बिलूंगे पगड़े पागड़े रे जी हलो परा महिला रे रे माय बनोई जी हलो परा महिला रे रे माँ कुंकू केशतरा नौको छोटना रे जी सब लोग कोशिश कर ली पर बाबू जी ना ढबिया क्योंकि बाबूजी ने गौ माता की रक्षा को धर्म निभानो हो बाबूजी देवनबाई ने दिए वचन ने निभानो हो और बाबूजी ब्याह ने छोड़ और अपने ससुराल में कॉल कर दियो कि मैं जीवित रहे हो तो पाछो आऊला और बाबूजी अब देखिए किस प्रकार से अरे गोड़ी खेले अंका शोरे माय बाबूजी दोनों हाथों को घोड़ी खेले अंकाशोरे माय बाबूरी घोड़ी खेले अंकाशोरे माँ चांदियो तू दे गडरे कांगटे रे जी छत गुलरे अरे छतरी गुलरे बेले रे आय भवानी छतरी गुलरे बेले रे बाबूरे आई जेरे पगोरे कांगड़े सिंवरू सुंधारी रे दाय भवानी सिंवरू सुंधारी रे दा भारत में सिंवरू रे भवानी काल का रे जी रामनावो परामनावो बावन रे वीर भई भई परामनावो बावन रे वीर एक तो मनावो खेड़ेरो खेतड़ो रे जी तो बाबूजी अस्त्र शस्त्र लिया और सास सासू रवाना हो वापस गांव आया माँ बाबूजी री माँ बोली कि बेटा बोले कि ना माँ जो मारो धर्म है वो मैंने निभानो पड़ेला बाबूजी री माँ बोली कि बेटा जिंदराव थारो बहनो ही है और तू मारने की गलती मत कर जे थारी बहन को सुहाग उजड़ जावेला बाबूजी अपनी माँ ने वचन दे दियो बोले कि माँ चिंता मत कर लेकिन उसकी करनी का फल उसकी करनी का सबक तो उसको सिखाना पड़ेगा अब देखिए किस प्रकार से बाबूजी रणभूमि के लिए निकलते हैं Yeah.
याद थो कि मारो बहनोई है। बाबू जी रणभूमि में जिंदराव ने परास्त कर, अब देखो सजा क्या दी, जिंदराव रे नाक में नथनी पहनाई, नकेल खाल, नकेल खाल और डोरी बांध और घोड़ी रे लारे बांध दियो। अब देखिए, हे बाबूजी ढाली ढाली नथनी ना करे माई, नथनी ना करे माई, बांधे के शरले लारे खींची। चरणा में हार गिर गयो, बोले कि साला जी माफ कर दो, बख्श दो, आज के बाद में आपकी गायों की तरफ नहीं देखूंगा, मारे काड़ भी घोड़ी ना चाहिए, पर माफ कर दो, मारो मत ना। बाबूजी मारो वचन दियो, तो बाबूजी बोले कि जा माफ कियो। बाबूजी माफ कर और जैसे ही वापस घूमिया, देखिए कायर कायर होता है, शूरवीर शूरवीर होता है, दुष्ट दुष्ट होता है और सजन सजन होता है। बाबूजी महाराज ने ईमानदारी का परिचय दिया, उनको याद था कि हमारी बहन को सुहाग ना उजड़े। लेकिन बाबूजी जैसे ही वापस घूमिया, जिंदराव दुष्ट हो, नीचे एक तलवार पड़ी हुई, जिंदराव घायल अवस्था में खड़ो हो गयो, तलवार हाथ में ली और जैसे ही बाबूजी घूमिया और मौको देख और जिंदराव वो नंगी तलवार हाथ में ले बाबूजी रे धोखे से गड़ा पर बार खोली। कई इतिहासकारों का मत है, डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ ने बाबूजी महाराज के विषय में बहुत सुंदर लिखा है, जोधपुर यूनिवर्सिटी में शायद राजस्थानी साहित्य में शायद वो सब्जेक्ट चलता है। बालोतरा के पास में एक छोटा सा गांव है भांडियावास, वहां पर चारण समाज में एक बहुत जोरदार कवि हुए जिनका नाम हुआ मोड़ जी आसिया। इन्होंने बाबूजी महाराज के जीवन पर एक पूरा ग्रंथ लिख दिया, उसका नाम है बाबू प्रकाश। उसमें राजस्थान के साहित्यकारों का अलग अलग मत है, कई इतिहासकारों का मत है कि बाबूजी ने अपने शरीर को स्वयं छोड़ के वो स्वयं घोड़ी समेत इस दुनिया से उन्होंने पर्दा कर लिया। कई लोगों का ये मत है कि जब तलवार से उन्होंने वार किया तो बाबूजी का गला और धड़ अलग अलग हो गया, लेकिन बाबूजी वीर गति ने प्राप्त हो गया। गौ माता की रक्षा के लिए, अपने धर्म और अपने वचन के लिए बाबूजी ने अपने प्राण दे दिए। आज उस बात को लगभग 700 साल, 1299 में बाबूजी का जन्म हुआ था, आज 700 साल बीत गए, बाबूजी का नाम ही दुनिया में अमर हो गए। गौ माता की रक्षा और बाबूजी महाराज का गांव गांव में थड़कला है, बाबूजी महाराज का गांव गांव में मंदिर है। बाबूजी को जो मानता है, बाबूजी उसको शक्ति देते हैं, उसको बल देते हैं, और शायद ओम बना को भी बाबूजी की शक्ति हासिल थी, ऐसा ही लगता है, क्योंकि उसी राठौड़ कुल में ये ओम बना का भी जन्म हुआ। एक बार सभी लोग ओम बना का और बाबूजी महाराज का दोनों का जयकारा साथ में बोलेंगे। बोली ओम बना सरकार की, बोली बाबूजी राठौड़ की, में अमर नाम,
देखिए पिछले 5-6 वर्षों में ओम मना के यहां से चमत्कार निकलकर पूरे देश भर में इस प्रकार फैले हैं कि जिसने एक बार ओम मना के नाम का सुमिरन किया, एक बार अपने मन की बात को यदि ओम मना के चरणों तक पहुंचाया, उस भक्त का बेड़ा पार हुआ। मैं उनकी महिमा के साथ में इस सुंदर कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं। धन्यवाद। साथ में इस महिमा को गाना चाहता हूं। पीछे तक विराजमान सभी भक्त एक बार अपने दोनों हाथों को उठा ले। उमारा उम बना जीरो धाम धीरा हाथ नीचे है। सभी से निवेदन दोनों हाथों को उठा ले। जन्म्यो सूरो
जोग सिंह जी ने आंगने साहब जोग सिंह जी पातावत रे घर में विक्रम संवत 2021 वैसाख सुधी आठम के दिन मां स्वरूप कंवरी कोकसो लाल बना ये ओम मना को जन्म बाबूजी राठौड़ की परंपरा में ओम मना की धरती पर जन्मिया। अपने मन में गरीब लोगों के लिए दया, अपने मन में गौ सेवा में गौ माता के लिए दया और ऐसा भाव उनके जीवन में, तो माता की कोख धन्य हुई, वो माँ धन्य हुई और वो पुत्र धन्य हुआ जिसको ऐसी माँ मिली। मैं शब्दों में विनती कर रहा हूँ, स्वरूप कंवरी मापरी माता बिनो से निवेदन करता हूँ ताली के साथ में, स्वरूप कंवरी मापरी रे बना घणो लड़ायो लाड बनावो, स्वरूप कंवरी मा स्वरूप कंवर माता आपरी। संग में जाय बनावो बालपणो है आपीड़ो रे, साथीड़ो संग जाय बनावो बालपणो है आपीड़ो रे। Thank you.
कुंभना राठौड़ पातावत परिवार में अपने कुटुंब परिवार के साथ में धीरे धीरे बड़ा होया, जवानी आई और घर में कुंभना के ब्याह की तैयारियां हुई। ईस्वी सन 1988 10 मार्च ने कुंभना को ब्याह और बड़े धूमधाम से कुंभना को ब्याह हुआ। कुंभना को ब्याह हो, अब देखिए विधि का विधान है। कि जिसको अमर होना होता है वो अमर ही होता है। बेमाता ऐसे लेख, बेमाता रे घर ऐसा लेख लिख दिया जावे। जो कुछ लिखा लिलाट पर मेट सके ना कोय, जो कुछ लिखा लिलाट पर मेट सके ना कोय, और कोटि यतन करते फिरो पर अनहोनी ना होए। जो होना है वो तय है और पहले से ही तय है। किसी ने ये नहीं सोचा था कि कुंभना हमारे बीच में नहीं रहेंगे, लेकिन जब वो दुनिया से गए तो इतना सारा ये प्रकाश, इतनी सारी रोशनी कर दी कि लाखों करोड़ों लोग उनके भक्त बन गए। ये उनकी ऐसी दिव्य, उनकी उनके जीवन की लीला थी। उर्मिला कंवरी सू आपने, उर्मिला कंवरी सू आपने बना सा ब्याह रचायो आपने।
स्वर्ग सिधारा आप बनावो आयो बुलावो यमी राजीरो स्वर्ग सिधारा बनाता आयो बुलावो यमी राजीरो रात के वक्त आप और हम सभी लोग जहां बैठे भगवान को पता नहीं ये क्यों मंजूर था, परिवार घर वाला सब सोच रहे कि बना घर आसे, लेकिन पता नहीं वो कैसे काली रात थी कि इसी जगह पर इस जाड़ के नीचे अपनी बुलेट पर उनकी दुर्घटना हो गई। शुरू जूंजो रेवण वास्ते जूंजो, पर भगवान ने मंजूर थो कि तू आप हमारे पास आ जाओ, बाद में दुनिया में रोशनी आपके नाम की होगी। बनासा स्वर्ग सिधारा। कुछ समय बाद में ठाकुर जोग सिंह जी इन स्थान पर अखंड जोत ओम बना के नाम की, जब एक दिन उनके परिवार में जब ओम बना आ और कहो कि मैं हूं, तब घर वालों को सबको लगा कि वास्तव में ऐसी शक्ति, दिव्य शक्ति हमारे घर में आई थी। ठाकुर जोग सिंह जी इन स्थान पर अखंड जोत ओम बनारे नाम री जगा दी। धीरे धीरे लोगों ने इन स्थान पर अपनी मन्नत मांगनी शुरू की, जिसने भी मांगा उसको मिला। धीरे धीरे 2, 5, 7 साल में हजारों लाखों लोग इन धरती पर आ ओम बनारे स्थान पर निमण करने लगा, और जो जो मांगियो ओम बना वारा भंडार भरपूर किया। दोनों हाथ उठाकर बोलिए ओम बना की जय। कुंवर महान पराक्रम सिंह जी हमारे बीच में बैठे हैं, कुंवर साहब, इन्होंने अपने पिता का मुंह नहीं देखा, अपने पिता को नहीं देखा। इन्होंने जब ही अपनी माँ की कोख में थे उसी समय ओम बनासा हम सभी से विदा लेके चले गए, लेकिन आज ये स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उनका एक ऐसा, उनका भक्ति, उनका ऐसा मन था कि आज उनके नाम की जोत चारों तरफ जगती है और वो दुनिया में नहीं लेकिन अमर हो गए। और इसीलिए जुग चरणों रे माय बनावो भगत मंडल री नीति हो। जुग जुग चरणों रे माय बनाता भगत मंडल री नीति हो। भूमिया जीरी
सुन जो ध्यान लगा राठोड़ा घर मां अजय सूर मां जन्म्या जन्म्या चोटी लारे। अब किस तालियों के साथ में आनंद करते हुए अरे सूर मां जन्म्या अरे सूर मां जन्म्या जन्म्या चोटी लारे छोटी लारी माँ ये सोने री कटारे नाला मोरिया हो सोवन थाल भाई मारा बाजा जन्म तड़े सोवन थाल घर घर बटाया रे बतावड़ा हो जियो जकोरी कर जो साय भोमिया सिमरे जकोरी कर जो साजी गाया गवाणर नहीं जो अरे गाया गवाणर रक्षा राखी जो ओ जियो अरे भोमिया सिमरे जकोरी कर जो साय भोमिया सिमरे जकोरी कर जो साजी गाया गवाणर जी
सेवा में थारी भाने आज बिछी जानो है, सेवा में थारी से दास हूँ बना सा तुम्हारा बना सा तुम्हारा
आथम की हेरा आथम की हेरा जग जोगिणी जय जगदम्बे जग जोगिणी जपू मिता जी अखंड थारा दिवला जले मां प्रकटो बापो अज जियो ने गणावर राज गणावर जियो ने गणावर तालियों के साथ आरंभ अंतिम समय प्रदान ले अरे जियो रे गणावर राज गणावर जियो रे गणावर राज गणावर सभी लोग अरे जियो रे गणावर राज गणावर जियो रे गणावर राज गणावर बंका ने रे पाड़ों में ओ राज गणावर जगदम्बा ही लो जियो जियो ताले बजाए सभी लोग दिलीप सिंह के लिए हमारे ये दिलीप सिंह जी माता जी के बड़े भक्त हैं इस भजन में दो हाथ ऊंचे कर दें दिलीप सिंह जी से निवेदन बहिने आई जोरदार तालियों से अभिवादन कर जियो गणावर राज गणावर जियो रे गणावर राज गणावर जियो रे गणावर नागाना रामिंदर में ओ राज गणावर अरे नागाना रामिंदर में जगदम्बा ही डो मांडियो रे यो नगणे जी नगणे जी ही डो मांडियो
I'm
का मेरे पहाड़ों में जगदम्बा माजी सा जगदम्बा नगणे जी चामुंडा अद्भुदा आशापुरी जगदम्बा माँ आवरा जोगणिया हिंडो माँ अरे गेरी गेरी बिरखा भाजा ते पाछा कहीं आ जा गेरी गेरी बिरखा भाजा उठी पाछा कहीं जाओ ओ मन साची साची बात बताओ जियो तालियों के साथ में साची साची बात बताओ जियो साची साची बात बताओ जियो मख मख मारे कंवरे अजी मारा रुणी चिरा राजा है लो सांबड़ो जियो रुणी चिरा राजा है लो सांबड़ो जियो मख मख गेरी गेरी बिरखा भाया पाछा कहीं जाओ ते मने सांची सांची बात बताओ आखिर में होयो कहीं है भगवान की कृपा हुई इतनो गेरो जमानो होने री आशंका है और गेरो जमानो वे थे आपने खेत में बाओला नहीं तो खाओ लगाई बोलो कहीं बात अब गावरा ठाकुर था कौन बोले के थे बांझिया एक 80 बरस ना डोकरा आगे आया हाथ पग धूजे और अजमाल जी महाराज रे सामने हाथ जोड़ कहो कि बाप जी आप तो ठाकुर हो आप तो मालिक हो आप तो अंदाता हो पर अरे थे तो अजमल जी बीरा बांझिया कही जो तू अजमल जी बीरा बांझिया कही जो भारा सुगन खराब घना होया जियो सुगन खराब घना होया जियो खमा 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 रे कोबरी अजमान रूनी चिरा राजा हेलो सांबड़ो जियो मख मख मारे कबरे अजमान बोले ठाकुर साहब
अन्नदाता आप तो मालिक हो, पर अन्नदाता आप बांझिया हो, और बांझिया आदमी रा सुगन ले खेत में जाने से बढ़िया है कि घरे आराम करो, क्योंकि थारा सुगना सु कहीं निपजनो तो नहीं, और थारे जड़ा बांझी आदमी रा सुगन ले खेत में मेहनत करने से मतलब कहीं। अब देखो करसा आवड़ कावड़ शब्द कह दिया, अजमाल जी महाराज रे पैरों नीचू बात सुन और धरती निकल गई। किसान आडा टोडा बोलता बोलता अपने घर चला गया, अजमाल जी महाराज धीरे 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 अपने घर पहुंचा। जब पतिदेव ने मैनादेव जी उदास देखा तो बोल दियो, पिया जी ओ सजना आप यूं आज बिलखा बिलखा लाग रहा हो, कई बात है, आप बड़ा दुखी हो, आप मने बोलो। अजमाल जी महाराज रे आंखें मुँह आंसू आ गया, बोले रानी बांझियो के वेरे मारो मुख नहीं देखे, अरे बांझियो के वेरे मारो मुख नहीं देखे, एड़ा काई पाप कमाया जियो, एड़ा काई पाप आंखा में आंसोरी लड़ी बेवे अपनी रानी। मैना देने कहने लगा, बोला रानी इनसु चोको है कि भगवान मने दुनिया उठा ले, बांझिया बांझिया करे। देखिए जब कभी भी आपके हमारे घर में कभी ऐसा मौका होता है तो पत्नी अपने पति को निश्चित रूप से धीरज बंधाती कि चिंता ना करो, भगवान सब ठीक करेला। मैना देव जी भी अजमाल जी महाराज ने समझाया, बोले पिया जी चिंता ना करो ना, अब 12 साल तक द्वारिकाधीश का दर्शन किया, एक बार मैं बोल रही हूं 13वीं बार फिर चले जाओ, और इन बार द्वारकारो नाथ आपने मंदरी इच्छा जरूर जरूर पूरी करेगा। बाजरी ने लाडू बना दिया, अजमाल जी महाराज ने दिया, बोले भगवान ने भोग लगाई जो और भगवान ने सच्चे मन से प्रार्थना कर जो। अजमाल जी महाराज फिर द्वारिका रे रस्ते रवाना हो गया। सर्दी गर्मी बरसात उड़बाना पाड़ा थका पावों में छाला पड़ गया, एक सांवरियारी आस लिया, अजमाल जी महाराज बहता गया बहता गया बहता गया। एक दिन द्वारिकाधीश रे मंदिर रे आगे जा हाथ जोड़ खड़ा हो गया, बोले भगवान 12 साल तक आयो हमारी नहीं सुनी, 13वीं बार फिर आ गयो, और इस बार यदि नहीं सुनी तो थारी चौकट पर माथो पटक पटक मर जाऊंगा। पर पाछो घर ना जाओ आज, अरे हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी, हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी, आयो थारे बारने क्योंकि अरे दुनिया महाने मोसा, दुनिया महाने मोसा बोले एकता बद दे, सुनो रे सावरा इतरो मत
दुनिया माने मोसा बोले किटा बदने कारने दुनिया माने मोसा बोले किटा बदने कारने बोले केवे केवे अजमल सुन सावरा इतरो मत बन मुंजी और एक टाबरियो मने देवे एक टाबरियो मने देवे तो नहीं घटे थारी पूंजी और नहीं सुनेला विघ्न करूला हरी पूजा आरती में विघ्न करूला मर जाऊला लोगों रो भरोसा उठ जावेला थारे ऊपर सो कि एक भगत भगवान की चौकट पर मर गयो पाछो घर ना जाओ बहुत देर हो गई भगवान रे आगे अजमाल जी सर पटक पटक रो रहा है अजमाल जी महाराज जी ऊपर देखे हो तो भगवान री मूर्ति मुस्कुराती हुई दिखी और जब मूर्ति ने मुस्कुराती हुई देखी अजमाल जी महाराज रो क्रोध और बढ़ गयो अब और कुछ हो नहीं पास में वे बाजरी रे लाडू लाया भगवान ने भोग लगाने वास्ते अजमाल जी महाराज रीस में वे बाजरी रे लाडू भगवान की मूर्ति ने मार दिया मंदिर का पुजारी जी दौड़ता दौड़ता भागता भागता है बोले कि ठाकरा कहीं कुका मांडो मांडो है अजमाल जी महाराज पुजारी बता दे कठे बार का रोना दर्शन करीवाने आयो जियो दर्शन करीवाने आयो जियो अम्मा खम्मा खम्मा रे कवरे अजीमा अब बोले पुजारी जी इतना साल हुआ हो आप सुबह शाम भोग लगाओ आरती करो आपने तो पतो वेला कि भगवान कठे और बड़ी रीस में जब पुजारी जी देखे ठाकुर ने तो पुजारी खुद डर गया बोले बताओ नहीं तो एक मिनट में मंदिर खाली करो पुजारी जी अब सीधो सीधो तो जवाब क्या देवे कहो ठाकुर साहब गर्मी ज्यादा पड़ रही है जेठ महीनों है और इतनी गर्मी भगवान ने सहन नहीं हुए तो भगवान अभी समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है पंडित बोलियो सुनो ठाकरा मूर्त आगे कहीं लड़ो और सांवरिया सो मिलनो वे तो समुद्रिया में कूद पड़ो क्योंकि इन सागर पीपा जी ने मिलिया चार गुजारदार ने भगवान पीपा जी ने मिलिया थाने भी मिल जाती पुजारी जी कह दियो कि ठाकरा समझ में नहीं आवे भगवान समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है बोले इतनी बात सुनी अजमल ने समुद्रिया में कूद पड़ा और सोने का तो महल देखा हीरा पन्ना खूब जड़ा आए सांवरे दर्शन दीना सिर पर पट्टी बांधने भगवान रे माथा ऊपर पट्टी बंधी हुई है माथा ऊपर सु खून बह रहे है अजमाल जी महाराज बड़ा हक्का बक्का हो गया बोले भगवान के कर दो खबरा मैं तो सुनियो तो कि आप तो बहुत बड़ा आदमी हो आप तो इन तीन त्रिलोक का नाथ हो आप तो बड़ा शक्तिशाली हो और आप इतना बड़ा शक्तिशाली हो तो फिर आपने माथा ऊपर चोट कैसी है भगवान मुस्कुराता कह दिया कि अजमाल थारे जड़ा कई बड़ा भगत ही दुनिया में है बोले भगवान हो कहीं बोले कोई भगत मारे लाडूरी मार दी अजमाल जी बोलिया भगवान मैं तो भी मूर्ति ने मारी आपने चोट कटू लागी तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने समझाया बोले कि देख अजमाल उन मूर्ति में मारो वास नहीं होतो नहीं तो तू कोई 12 साल तक थोड़ी आतो अजमाल जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान ने हाथ जोड़न विनती करने लगा अजमाल जी महाराज जब
भगवान के चरणों में पड़ा तो भगवान अजमाल जी महाराज ने कहो कि अजमाल चिंता ना करना, हरे बड़ो विरम दे वेला। अजमाल जी महाराज ने उस बात को ही पकड़ लिया, बोले भगवान बड़ो विरम दे वेला तो छोटो कौन वेला। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने कहने लगा, बोले जद चंदो करे बरस चौपनो नयो मास जग, बरस चौपनो मास भादवो नयो चांद जग फूगेला। बरस इकसठ वो मास भादवो नयो चांद जग फूगेला। सुन रे अजमल थारे की बात है तालियों के साथ में। दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर रे कारणे, दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर।